हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इन्फिनिटी का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए, जिसका नाम है #इन्फिनिटी, उसके जरिए आप पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं या फिर आई कार्ड में दिए गए प्लेलिस्ट के जरिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक गलती जिस वजह से उन्हें होप मिली, और इस वजह से पूरे यूनिवर्स की आंखें टिक चुकी थी हाला पर, क्योंकि वहां पर थॉर को जीतते हुए सभी ने देखा था, और इस वजह से थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड्स फ्री होने वाले थे फिर से, क्योंकि एक मैसेज उनमें फैल चुका था, उठो और फिर से अपनी दुनिया को हासिल कर लो, फिर से उसे फ्री करो। और यही बिलीव उनकी आंखों से झलक रहा था उनके जीत के जरिए। डॉक्टर रूम 7, जहाँ पर एवेंजर्स के साथ उस वर्ल्ड को भी फ्री कर लिया गया था, लेकिन तभी एक बिल्डर बॉट अभी भी जिंदा था। तब उसे देखते हुए ओरेकल कहती है कि लगता है कि हमें एक और बार कैप्टन उसके लिए खड़ा होना होगा और उसे फिर से गिराना होगा। तब कैप्टन कहते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। और ये सही भी था, क्योंकि वहां पर हल्क पहुंच चुका था, जो कि उसे स्मैश किए बिना मानेगा नहीं। और इसी के साथ उस वर्ल्ड को फ्री करने का मैसेज फ्लीट पर पहुंचा दिया जाता है। तब ओरेकल कहती है कि सब लोग जानते हैं कि ये किस वजह से हुआ है कैप्टन, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये वॉर सिर्फ एम्पायर्स ने या फिर किसी और ने नहीं, बल्कि एवेंजर्स ने जीती है। ये वॉर कभी काउंसिल की थी ही नहीं, जो कि ब्रेक हो चुकी थी, नहीं, क्योंकि वो लड़ने से पहले ही लगभग हार चुके थे। लेकिन तुमने उस हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल दिया, तुम एवेंजर्स ने जीत दिलाई हमें, तुम लोग जिन्होंने बेहोमत पर उन्हें भागने पर मजबूर किया, और हाला पर तुमने उन्हीं के वर्ल्ड किलर्स उन्हीं पर वापस घुमा दिए, और तुमने एक सिंगल मैन को हैमर के साथ वहां पर भेज दिया, और पूरे सन का चक्कर लगाकर उसने उस हैमर को बिल्डर के आर पार निकाल दिया। तो ये जीत तुम्हारी है कैप्टन, क्योंकि तुम लोग हारने वालों में से नहीं हो। डॉक्टर रूम 7 फिर से आजाद है, लेकिन वो अब एवेंजर वर्ल्ड है। बिल्डर हार रहे थे एक प्लैनेट के बाद दूसरा प्लैनेट, और ये प्लैनेट्स फ्री किए जा रहे थे कुछ वॉरियर के जरिए और कुछ अननोन हीरोज के जरिए, लेकिन वो सभी एक ही बैनर के नीचे लड़े, जो कि एवेंजर्स का था। काइमेरिया अब एवेंजर वर्ल्ड बन चुका था, सेंचुरी प्राइम अब एवेंजर वर्ल्ड बन चुका था, और लगभग सारी दुनियाएं एवेंजर वर्ल्ड बन चुकी थी। यहाँ पर कुछ देर बाद सब लोग जश्न मना रहे थे, तब थॉर दो बोतल लेकर आता है कैप्टन के पास और कहता है, यहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, एक आम इंसान के लिए भी। तो हमने उनसे कहा कि तुम स्टीव रॉजर्स को नहीं जानते, क्योंकि वो एक विजेता है। तब इस पर कैप्टन जवाब देते हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरह से खत्म होता तो मैं अभी अस्पताल में मिलता तुम्हें। तब थॉर आगे बताता है, हमने ग्लैडिएटर से बात की है, वो खुशी से हमें जहाज देने के लिए तैयार है, जिससे हम घर जा सकते हैं। और वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी ग्लैडिएटर आते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो मेरे दोस्तों। लेकिन यूनिवर्सल नेट रीस्टेब्लिश होने के बाद सारे कम्युनिकेशंस फिर से वापस आ चुके हैं, और मेरे पास एक बुरी खबर है तुम लोगों के लिए कि अर्थ अब गिरने लगी है। ओरोलान, हिडन सिटी ऑफ इनह्यूमंस, जहाँ पर थेन अपने किए हुए कामों पर पछता रहा था, और वहाँ पर पड़े हुए लोगों के साथ वो रो रहा था। जहाँ पर इबुनमाव आते हुए कहता है कि यहाँ पर ये सब डेथ किस वजह से हुई है, क्या हुआ थेन, सन ऑफ थेनोस? तब थेन चिल्लाकर कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ इसे इरेज करने की कोशिश की है, मैं उनके जैसा नहीं था, मैं एक हीलर था, मैं लोगों की जिंदगी बचाता था। तब इबुनमाव कहता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो, क्योंकि तुम ये हो ही नहीं। इनह्यूमंस भरे ही कहते हो कि टेरेजेनेसिस की वजह से तुम ऐसे बने, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सन ऑफ थेनोस हो, जिसने पूरी जिंदगी डेथ का पीछा किया है, तो तुम उनसे अलग कैसे हो सकते थे? वो कहता है, और अगर ऐसी ही बात है तो तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? तब इबुनमाव बताता है कि मैं शील्डेड हूँ क्लास 1 डिफेंस फील्ड में, वरना मैं भी जल चुका होता इन सभी की वजह से। तब वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तब वो बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हूँ, क्योंकि तुम मेरे मालिक के बेटे हो। तब वो कहता है कि ये कोई गिफ्ट नहीं है। तब उसे एक आर्मर दिखाते हुए इबुनमाव कहता है, तो फिर यह समझ लो कि ये तुम्हारे गिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए है। और वो बताता है कि जो तुम्हारी पावर है वो गिफ्ट है और कुछ नहीं। लेकिन थेन अभी भी उसी बात पर अड़ा हुआ था, और वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम उसे क्या कहते हो, लेकिन ये अभी भी मेरे लिए एक शाप ही है, और अगर ये सूट मुझे लोगों को हर्ट करने से रोकेगा तो ठीक है। और वो उस शील्ड पर चढ़ता है।
और उस पूरे आर्मर को पहन लेता है और कहता है, अगर ऐसा है तो ये चीज़ मेरे लिए गिफ्ट है। तब टिबोनी माओ कहता है कि तुम इसे कुछ भी कह लो थेन, क्योंकि कंटेनमेंट आर्मर तुम्हें तुम्हारी पावर को रोक कर किसी को भी फिजिकली टच करने के लिए प्रोवाइड करेगा और तुम्हारी एबिलिटीज को कंट्रोल में रखेगा। तब वो इबोनी माओ को थैंक्स कहता है, लेकिन तभी इबोनी माओ उसे एक कंटेनमेंट शील्ड में कैद कर लेता है और कहता है कि अब तुम्हारे बड़े होने का वक्त आ चुका है कि तुम अपने फादर से आमने सामने मिलो। कांडा नेक्रोपोलिस में, जहाँ पर एंटीमैटर डिवाइस क्रैक करने की कोशिश की जा रही थी थेनोस के सोल्जर्स के जरिए, लेकिन उन्हें उसमें बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि इनके जो ब्रीचेस है वो टाइट है और इन्हें क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। और ऐसा होना भी था, क्योंकि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड्स ने मिलकर इन्हें बनाया था। तब प्रोक्सिमा कहती है कि तब तक कोशिश करते रहो जब तक सक्सेस ना मिले, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पर। तब करवस बताता है, मास्टर हमें अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली है, लगता है ब्रदरहुड ने इस पर काफ़ी काम किया है। तब थानोस कहता है, तुम मुझे नाराज़ कर रहे हो करवस, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि एक इल्यूमिनाटी के साथ तुम इस सब को ख़त्म कर सकते हो, इस सीक्रेट वेपन को। तब हम देखते हैं कि वो बात कर रहा था ब्लैक बोल्ट की, और वो कहता है, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी अभी तक, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा टच है जो कि इस सब को आसानी से पूरा कर सकता है। तब सुपर जेंट समझ जाती है और वो आगे बढ़ती है उसे टेलीपैथिकली कंट्रोल करने के लिए। तब थानोस बताता है इसे नाजुक तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि ये इनह्यूमन टूटना नहीं चाहिए। याद रखो कि ये खुद को किंग बुलाता था। यहाँ पर दूसरी अर्थ तबाह हो चुकी थी और अभी भी कुछ लड़ाइयाँ लड़नी बाकी थी। यहाँ पर टोनी उन सबसे कहता है, स्पेस टाइम तबाह हो रहा है, यानी कि सब खत्म हो जाएगा। क्या इसमें कोई गलती है कि मैं खुश हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल इन्वेजन का सामना करना पड़ेगा, ना कि किसी इनकर्जन का। इस पर रीड कहता है, हाँ क्यों नहीं टोनी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम बाकी चीज़ें शुरू कहाँ से करें। तब ब्लैक पैंथर बताता है, उस स्पेस टायरन या फिर उसके बेटे को बचा कर, क्या पता कि हम जब ऑफ प्लैनेट थे तब क्या हुआ होगा। तब एक तरफ पॉइंट करते हुए बीस्ट कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर उसके पास होगा ब्लैक पैंथर। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर लॉक जॉ और मैक्सिमस थे। यहाँ पर सुपर जायंट उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी और कलेक्ट होने के बाद वो कहती है कि मुझे अनलॉकिंग सीक्वेंस मिल चुका है वेपन का थानोस, और यहाँ पर कंट्रोल डिवाइस है एक ट्रिगर। एक्चुअली ये एक सेकेंडरी मैकेनिज्म है, वो यही कहीं पर है लैब में, और बॉम्ब अब आपका है। तभी इबोनी माओ का मैसेज आता है थानोस को। तब वो कहता है कि आखिरकार छुपा हुआ बाहर आ गया, बताओ कि तुम्हारे एब्सेंस की क्या वजह थी इबोनी माओ। फॉर्म लिंक पर इबोनी माओ कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है मास्टर, क्योंकि मेरे पास अपने एक्सक्यूजेस के लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गिफ्ट है आपके लिए। तब वो कहता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या है। तब वो कहता है आपका बेटा, और मुझे लगता है कि आपका चाकू उसके लिए अब तैयार होगा। क्या मैंने आपको खुश किया मास्टर? तब कॉमलिंग बंद करते हुए कहता है कि हाँ तुमने मुझे बहुत खुश किया, और वो ट्रिब्यूट के साथ उसे वहीं पर रुकने को ले कहता है। यहाँ पर थानोस आगे कहता है कि करवस और प्रोक्सिमा तुम मेरे साथ चलोगे, वेसल प्रिपेयर करो, और सुपरजेंट से कहता है कि अपने बॉम्ब को तैयार करो, क्योंकि मैं अपने सन को मारने के बाद यहाँ पर इस वेपन के साथ पूरी दुनिया को एक ही साथ उड़ा दूंगा। इल्यूमिनेटिस के मेंबर वाकांडा में आ चुके थे मैक्सिमस और लॉकजॉ के साथ, जहाँ पर पूरी वाकांडा सिटी को जलते हुए देखकर ब्लैक पैंथर कहता है कि ना सोचने वाली चीज हो चुकी है और वाकांडा का डिफेंस ब्रीच हो चुका है, शाइनिंग सिटी अब चल रही है, हमें अंदर जाकर सबको बचाना होगा। तभी टोनी उसे रोकते हुए कहता है, रुको, इससे भी बुरा हो सकता है, नेक्रोपोलिस का वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, लगता है किसने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। और यहाँ पर लॉकजॉ को कुछ महसूस हुआ था। यहाँ पर मैक्सिमस बताता है कि इसकी नाक ने किसी जानी पहचानी चीज को सूंघा है, तो हमें लगता है कि हमें वहाँ पर पहले जाना चाहिए। यहाँ पर ब्लैक पैंथर अपने नेक्रोपोलिस में रखे हुए उन एंटीमैटर डिवाइस के बारे में याद आता है, और वो कहता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा, और कहता है कि हमें डेड सिटी पहले देखनी होगी, वरना वाकांडा उसी के साथ तबाह हो जाएगा। यहाँ पर थानोस ओरलान की तरफ बढ़ चुका था। अपने वेसल से नीचे उतरते हुए वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, भले ही तुम थोड़े अजीब हो, लेकिन तुम कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते। और अपने सन के पास आते हुए वो कहता है, तो अपनी सांसों को मजा लो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कुछ ही बची है। तब उसका बेटा कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तब वो कहता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह तुम हो, और तुमने मुझे रात भर जगाया है, और इसकी वजह ये थी कि तुम एग्जिस्टेंस में थे, और जल्दी मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और वो कहता है कि ये अभी भी क्लास 1 कंटेनमेंट फील्ड में क्यों है माओ,
कि तभी कर्वस को एक मैसेज आता है और वो बताता है, मास्टर लगता है कि कुछ टाइटन पर आ चुका है। जीत की जश्न मनाकर सब लोग वापस मुड़ रहे थे और यहाँ पर सुपर स्कल कहता है कि मैं अपने बचे हुए लोग फ्लीट से वापस नहीं ले सकता क्योंकि ये अभी किसी और काम के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम्हारा क्या कहना है अक्यूजर? तब अक्यूजर बताता है कि मैं यहाँ पर गिल्टीज को जज करने आया था, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ और क्री उन्हें मजा चखाएगा जिन्होंने उसे तबाह करने की कोशिश की थी। तभी ग्लैडिएटर कहता है कि शियार को भी अपने साथ जोड़ लो क्योंकि ये तुमने कमाया है कैप्टन, और एक आखिरी बार अब ये पूरी आर्मी तुम्हारे अंडर काम करेगी, तो ऑर्डर्स दो। तो कैप्टन कहते हैं, तो समझ लो कि ऑर्डर दे दिए गए हैं क्योंकि अभी भी एक दुनिया बची है जिसे बचाने की जरूरत है, तो अर्थ की ओर चलो। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स आपके पास है तो भी मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।